हेलो दोस्तों, मैं हूँ आशा। आपके अपने चैनल आशा मिश्रा में बहुत बहुत स्वागत है। होली के त्यौहार पर हमारे घरों में मिठाई के रूप में गुजिया जरूर बनती हैं और ये गुजिया अलग अलग स्वाद में अनेकों प्रकार की गुजिया बनाई जाती हैं। मावा की गुजिया, सूजी की गुजिया, चंद्रकला गुजिया, चाशनी की गुजिया, बिब्ड गुजिया, कलरफुल गुजिया, लेकिन आज हम इससे भी अलग बहुत स्वादिष्ट और पौष्टिक गुजिया बनाएँगे। तो फ्रेंड्स, यदि मेरी रेसिपीज आपको पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो साइड में बेल आइकन है उस पर आप जरूर से प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ मेरी वीडियोस को जरूर से शेयर कीजिएगा। इससे पहले भी मैं गुजिया की रेसिपी आप लोगों के बीच में शेयर कर चुकी हूँ फ्रेंड्स, तो आप मेरे चैनल पर जा करके और चेकआउट ज़रूर से कीजिएगा। तो चलिए आज की रेसिपी हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने मैदा लिया है एक कप, वजन से बोलूँ तो 125 ग्राम मैदा है। घी 30 ग्राम 2 टेबल स्पून और दूध 1/4 कप मैंने लिया है। तो ये हमें गुजिया के आटा लगाने के लिए हमें चाहिए। तो सबसे पहले आटा हम ले लेंगे और आटे में हम डाल देंगे घी और घी को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। जिसको हम मोयम लगाना बोलते हैं वही काम हमें यहाँ पे करना है ताकि गुजिया हमारा क्रिस्पी बनेगा। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डालते हुए और इसका हम एक डो तैयार करेंगे। डो हमको बहुत ना ही हार्ड तैयार करना है और ना ही बहुत हमें लूज तैयार करना है। हमको मीडियम थिकनेस का डो तैयार करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने डो को तैयार कर लिया है। तो अब हम इसे थोड़ा सा अच्छे से मसल लेंगे और इतना आटा लगाने के बाद से आप देख सकते हैं कि 1 टेबल स्पून यहाँ पे दूध बचा हुआ है। तो आटा हमारा यहाँ पे तैयार हो गया है और मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया है कि इस तरीके का ही आपको आटा लगाना है। अब इसे हम ढक करके और कम से कम 20 मिनट के लिए इसे हम रख देंगे। अब बादाम हमने लिया है 1 टेबल स्पून और काजू भी मैंने 1 टेबल स्पून ही लिया है, यानी कि 10 से 12। आधा कप नारियल हमने लिया है कसा हुआ, यानी कि 25 ग्राम और गुड़ 100 ग्राम यानी कि आधा कप। ये गुड़ आपको किसी भी ग्रोसरी शॉप पर मिल जाएगा या फिर आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा, तो आप ले सकते हैं। अब यहाँ पे हम ले लेंगे एक बॉल और इस बॉल में हम डाल देंगे सबसे पहले गुड़ को और अब हम इसमें डाल देंगे काजू और बादाम को। मैंने यहाँ पर पतला पतला कट कर लिया है। ड्राई फ्रूट आप अपने अकॉर्डिंग जो पसंद करते हो वो आप डाल सकते हैं। अब हम यहाँ पे कोकोनट डाल देंगे। तो अब हम इसमें डाल देंगे 3 से 4 हरी इलायची। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इसे क्रश करके लिया है। आप चाहें तो साबुत भी डाल सकते हैं या फिर इसका पाउडर भी आप डाल सकते हैं। तो सारी चीज़ें अब हमने इसके अंदर ऐड कर दी है। तो अब हम इसमें डाल देंगे 2 से 3 चम्मच घी। इससे क्या होगा कि अच्छी स्टफिंग में बाइंडिंग आ जाएगी। तो घी हम ज़रूर से डालेंगे यहाँ पे और इसे हम अच्छे से अब मिक्स कर लेंगे। तो देखिए, मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। आप चाहें तो इसे हाथ से भी मिक्स कर सकते हैं। तो ये स्टफिंग भी हमारा रेडी हो चुका है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ पे 20 मिनट हो चुका है और आटा भी हमारा सेट हो चुका है। तो अब हम थोड़ा सा हाथों में घी लगा लेंगे और आटे को हम एक बार वापस से थोड़ा सा इसे मसल करके और सॉफ्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, मैंने इसे मसल लिया है। अब हम इसका छोटा छोटा लोई बना लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने जितना बड़ा हमें चाहिए उतना बड़ा मैंने यहाँ पे लोई कट कर लिया है। अब हम इसे गोल गोल करते हुए और इसका हम लोई बना लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने सारे लोई को बना करके और तैयार कर लिया है। तो अब हम सबसे पहले चकली पे थोड़ा सा हम लगा लेंगे ऑयल और अब हम इसे बेल करके और तैयार करेंगे। हमें इसे रोटी के जैसा बेल करके और रेडी करना है। इससे पहले भी मैं अपने चैनल पे बहुत सारे वीडियो आप लोगों के बीच में अपलोड की हूँ फ्रेंड्स, तो आप मेरे चैनल पे जा करके और देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने इस रोटी को बना करके और तैयार कर लिया है। आप अपने अकॉर्डिंग छोटा और बड़ा तैयार कर सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा सा छोटा यानी कि मीडियम साइज का ही तैयार किया है। तो देखिए, रोटी हमारी तैयार हो चुकी है। अब यहाँ पे हमको थोड़ी सी पानी की ज़रूरत है। आप देख सकते हैं कि बहुत मोटा या फिर बहुत पतला हमने रोटी को तैयार नहीं किया है।
तो इसी तरीके से आपको तैयार कर लेना है। अब हम लेंगे पानी और एकदम सेंटर में हमें इस पानी को लगाना है इस तरीके से, और ये काम आप हाथ से ही कीजिएगा, हाथ से इजी रहता है और आराम से लग भी जाता है। अब हम इस तरीके से इसे फोल्ड कर देंगे। आपको फोल्ड एकदम से बराबर करना है। और अब हम ले लेंगे एक स्पैचुला और उसके पीछे साइड से थोड़ा सा हम इसे प्रेस करते हुए दबाएंगे। आपको काट के अलग नहीं करना है, बस थोड़ा सा आपको निशान बना देना है और आपको अब इसे हाथ से निकालना है। अब उसे हम साइड में रख देंगे और जो एक साइड का हम हाथ में लिए हैं इसको हम थोड़ा सा चिपका लेंगे हाथों की सहायता से। तो अच्छे से आप ऐसा करें कि इसको अच्छे से चिपकाएं। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसे चिपका लिया है और अब हम इसमें भरेंगे स्टफिंग। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच स्टफिंग भरा है इसके अंदर, आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसे भर के रेडी कर लिया है। अब हम लेंगे पानी और इसके एजेस पे हम पानी लगा देंगे। आपको बहुत ज़्यादा पानी नहीं लगाना है, थोड़ा सा हल्का ही लगाना है। और इस तरीके से अब आपको इसे चिपका देना है हाथों से। आप ध्यान से इसे चिपकाइएगा फ्रेंड्स, नहीं तो फिर ये खुल जाएगा। इसलिए आपको ये सारी काम जो है बहुत ध्यान से और सावधानी पूर्वक करना है। तो यहाँ पे देखिए ये तैयार हो गया। जैसा कि हम समोसा बनाते हैं ना, उसी तरीके का हमें इसे बना लेना है। अब थोड़ा सा इसे हम ले लेंगे फॉक्स और फॉक्स से हम इस पर थोड़ा सा डिजाइन बना देंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से आप पूरा बना करके और तैयार कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे एक और दिखा देती हूँ। इस तरीके से मैं 2 चम्मच भर रही हूँ क्योंकि गुजिया थोड़ा सा भरा रहेगा तभी खाने में भी मज़ा आएगा और हेल्दी भी है और टेस्टी भी है। तो देखिए मैंने यहाँ पे इसे भी बना लिया है। तो इस तरीके से हम सारे गुजिये को बना करके और तैयार कर लेंगे। बहुत जल्दी बन जाता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिए मैंने बना करके और तैयार कर लिया है। तो मैं यहाँ पे एक ट्रिक आपको बताती हूँ जिससे आपकी गुजिया बिल्कुल भी फटेगी नहीं। तो मैंने तो यहाँ पे 8-10 गुजिया ही बनाया है, तो मैंने थाली से ढक करके अपना काम चला लिया है। लेकिन यदि आपको ज़्यादा बनाना है तो आप एक कॉटन का कपड़ा ले लें और उसको अच्छे से भिगो करके निचोड़ करके और नीचे बिछा लें और गुजिया बना के उसी पर रखते जाएं और एक और दूसरा कपड़ा गीला करके निचोड़ करके और गुजिया को ऊपर से ढक दें जिससे कि गुजिया आपकी ड्राई नहीं होगी, फटेगी नहीं। तो यहाँ पर देखिए मैंने घी गर्म कर लिया है और मैंने यहाँ पर थोड़ा सा आटा डाला है ताकि चेक कर लें कि घी गर्म हुआ कि नहीं हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि घी गर्म हो चुका है, हमें इतना ही चाहिए। अगर ज़्यादा तेल गर्म रहेगा या घी गर्म रहेगा तो गुजिया आपका जल जाएगा। लेकिन हमें गुजिया को थोड़ा सा बस ब्राउन सा सेकना है, हल्का ब्राउन, ताकि देखने में भी सुंदर लगता है और खाने में क्रिस्पी भी हो। और गैस का फ्लेम आपको बिल्कुल यहाँ पर स्लो रखना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे 4 गुजिया इसमें डाला है। आपकी कढ़ाई में जितनी गुजिया आती है जो कि आप आसानी से पलट सकें आप उतना ही गुजिया डालें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गुजिया तैर के ऊपर आ गई है। तो अब हम इसे पलट देंगे और एक साइड से गुजिया हमारा हो चुका है। तो अब हम इसे पलट देते हैं यहाँ पर और आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है गुजिया का। तो जब आप गैस का फ्लेम स्लो रखेंगे तो आपका गुजिया जो है अच्छे से तलेगा और कलर भी बहुत अच्छा आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गुजिया हमारा रेडी हो चुका है। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं। इससे ज़्यादा हमें बिल्कुल भी इसे ब्राउन नहीं करना है। तो अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। आप चाहें तो इसे टिश्यू पेपर या फिर ऑब्जेक्ट पेपर पर भी निकाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास कमी था, बस 2-4 मैंने आपको डेमो दिया है तो इसलिए मैंने इसे प्लेट में ही निकाल लिया है। और फिर इस तरीके से हम 2nd बैच का भी तल करके और बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने तल करके रेडी कर लिया है। तो थोड़ा सा अभी ये गर्म ही है, ठंडा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। जब ये ठंडा हो जाएगा तो और भी क्रिस्पी हो जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कितना लाजवाब गुजिया हमारा गुड़ मेवा गुजिया बन के और रेडी हुआ है। तो इस होली आप इसी तरीके का गुजिया बनाएँ। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।